वो वाली डाली में ड्रोन जाके टकरा गया था और नीचे गया। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। हेलो, हाय, न्यू फ्रेंड इन बाली एंड मादी इज राइडिंग मी 30 किलोमीटर्स अवे आफ्टर ड्रिंकिंग वन फुल बॉटल। So we have the second bottle now. In less than 1 hour. We can drink my bottle. Yeah. Really, bro? My bottle is it. Oh my god. So we are having a good time with Madi and friend. Madi हमको drop कर रहे थे motorbike taxi में. फिर हम इतना लंबा जर्नी थी कि हम रुक गए. हमने बोला और drinks कर लेते हैं. अब ड्रिंक कर रहे हैं, लोकल अराक पी रहे हैं। कैन यू ड्रॉप मी? या आई कैन। वेल आई एम नॉट ड्रंक जस्ट टू व्हाट फॉर फॉर दिस लाइक दिस। तो भाई अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कह नहीं यार, मतलब मैं टैक्सी लेता हूँ, पैसे ऐसे छोड़ो, लोड नहीं है। बट ऐसे तो नहीं जा सकते ना। बट हाँ, स्पिरिट स्पिरिट है, वही चाहिए। We are at Single W Specialty Bumbu. What is Bumbu? Bumbu is like a spice. It's not Bumbu. 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 No. Bumbu different from Bumbu. Bumbu crap. Guys, shukriya. Go slow, go easy. Aade aade. Oh. Aade aade. Aade aade. Wait. Cut. हम यहाँ से हाईवे पॉइंट जाएंगे और फिर नूसा पहली तक। हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ बन गए हम, क्योंकि फेरी की टिकट है कुछ 2300 रुपए की और 45 मिनट्स की फेरी थी। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, ऊपर से वो अराक का हैंगओवर भी थोड़ा बहुत। गुड क्लियर डे वो भी दिख रहा है आज। माउंट अगुंग, कल अगुंग में गए थे तब अगुंग नहीं दिख रहा था, आज यहीं से दिख रहा है। 45 मिनट्स फास्ट बोट। पहुंच गए हैं नूसा पनीडा। समय हो रहा है 11:30, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया। तो काफी सुंदर तो है, नो डाउट। कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं भाई, आसमान भी देखो ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी हमको स्कूटर जुगाड़ना है। आई थिंक आई विल एंड अप रेंटिंग अ स्कूटर फ्रॉम फेरी पॉइंट। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच इज फॉर 500 रुपए। स्कूटी बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब क्या ही कर लेंगे, बहुत बढ़िया स्कूटी लेके। तो फेरी में तो स्कैम हो गया। फेरी मैंने ली है 2500 रुपए की और फेरी है 500 रुपए की, काफी ज्यादा कट गया है। दूसरा पनीदा पुदक नेचर बंगलो, यही कहीं होना चाहिए। वी आर एट पुदक नेचर, गुड होम स्टे। तो अभी हम जा रहे हैं डे ट्रिप पे। जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं वेस्ट नूसा पेनीडा में सारे कवर कर लेंगे। फिर फोन काटा जैसे काई पोचे, डाला फ्लाइट मोड पे, तेरा भाई बहुत तेज, बिना गाड़ी करते हैं रोड रेज। ओह, काफी चलना पड़ेगा लग रहा है। आ तो गए, 25 रुपए लिए उसने पार्किंग के। सेल्फी 5K, 25 रुपए में सेल्फी खिंचा सकते हैं आप। फोटो वोटो खिंचा रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स बढ़िया लग रही है। नहा आ रहे हैं लोग बढ़िया एकदम। एंजल्स बिलाबोंग, इसका मतलब क्या हुआ है तो समझ नहीं आया। वो सही लग रहा है एज, आई थिंक ऐसा कुछ इन्फिनिटी पूल टाइप का होगा। यहाँ पे मेरी प्रो टिप रहेगी कि ऐसे क्रेजी टेरेन में आए तो चप्पल पहन के आए, जूते होते क्या ही पहनोगे आप इसमें, चप्पल कम से कम कम्फर्टेबल तो है। बढ़िया फोटो स्पॉट और नज़ारे ही नज़ारे। वहाँ क्या हो रहा है, वेल डूब रही है, वेल डूबेगी कैसे भाई, वेव तो गजब ही आ रही है भाई। यहाँ पे अगर कूद गया कोई मर जाएगा आदमी, मतलब अगर डूब के नहीं मरा तो वेव उसको ऐसा पत्थर पे स्लैम डंक दे देंगी, क्रेजी। अरे सीख झाड़ू, सीख झाड़ू पड़ी हुई है। सो नेक्स्ट स्टॉप इज ब्रोकन बीच, तो देखते हैं कितना ब्रोकन है, हमसे ज़्यादा तो क्या ही ब्रोकन होगा।
ये तो डरावना है, दीदी गिर जाओगी। आई थिंक ये ब्रोकन बीच नहीं है, आगे है तो वापस जाएंगे हम। दिस इज द ब्रोकन बीच। ओह नाइस, ओह वाओ, ओह उधर से वो भी है कॉरिडोर। यहाँ से देखें कैसा व्यू है। ओह दैट इज द आर्च। ओह वाओ क्रेजीनेस। बढ़िया पूरा इंफ्रा बना रखा है, यहाँ पे खड़े होके आप ऊपर से फोटो खींच सकते हैं। अरे हे रेनी ली आसमानी छतरी, क्रेजी नेस हो गई है, इसीलिए ड्रोन नहीं खरीद रहा था मैं। मतलब मेरी और ड्रोन की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, वो वाली डाली में ड्रोन फंस गया था। तो हुआ ये कि ऐसे पीछे ले जा रहा था मैं, लाइक पीछे और ऊपर ले जा रहा था, मुझे लगा सीधा ये बीच के पीछे निकल जाएगा, बट बीच में आ गई झाड़ी और ड्रोन जाके झाड़ी में टकरा गया। और मैं ड्रोन को ऐसे लाइन ऑफ साइट पर देख रहा था तो मुझे लगा कि ड्रोन टकरा गया है और नीचे गिर गया है, और वहाँ से आवाज़ भी आई, ओ ऐसे दो लोग शॉक भी हो गए थे। तो और ड्रोन लिटरली मुझे ऐसे फ्लिप होते हुए दिखा है ना, बट पूरा नीचे वो गिरते हुए दिखा। और मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं यार फिर से एक ड्रोन गया, एक और ड्रोन गया, एक और ड्रोन गया। उसके बाद मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो फ़ोन पे नीचे बीच की फुटेज आ रही है, तो मुझे लगा ये हैंग हो गया है, बट उसमें दिखा रहे कनेक्टेड। मुझे लगा कि कहीं पेड़ वेड़ पे टक गया है, तो मैं डर रहा था उसे हिलाने में, बट मैंने हिलाया तो ड्रोन उड़ा है। तो मैं सामने देखा तो ड्रोन उड़ता हुआ आ गया, तो फिर मुझे लगा कि मे बी आई गॉट कन्फ्यूज्ड। फिर मैंने अभी फुटेज रिव्यू की तो पीछे गया, वो टकरा के चार बार ऐसे 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 घूमा एंड देन वापस नीचे वाले लेवल पे जाके उड़ गया। तो आई थिंक DJI ने बहुत बढ़िया वो निकाला है कि अगर ड्रोन ऐसे क्रैश होता है ना तो वो खुद स्टेबल हो जाए, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट अपडेट। पहली बार मैं बोलूँगा लाइफ में, वेल डन DJI। बिग शाउट आउट टू ब्रोकन बीच एज वेल। बीच तो ब्रोकन है बट उसने हमारा ड्रोन ब्रेक नहीं होने दिया। फक यू अमेज़न रिवर जो हमारा ड्रोन खा गई। गलती तो इस बार मेरी थी, ऐसे अमेज़ॉन वाली गलती मेरी नहीं थी, दिस टाइम तो गलती थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बीच, विच इज़ क्लिंग क्लिंग बीच, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन हियर एंड वेरी ब्यूटीफुल। सनसेट होने वाला है आज, काफ़ी मज़ा आया, बढ़िया है। मतलब नूसा मेरीडा इज़ वेरी गुड, गुड वेकेशन वाइब्स, ऑल्दो आज वर्किंग डे हमारा। पार्किंग के 25 रुपये यहाँ भी लग गए। स्कूटी तो काफ़ी सारी थी, तो देखते हैं आगे जाके कितने लोग हैं। नाइस सन, सनसेट के लिए तो यही जगह सही है, काफ़ी ऊंचा क्लिप है ये तो, क्रेजी। अरे भाई, अरे भाई साहब, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, वाह वाह। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, बट जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं उनकी हालत देख के लग नहीं रहा कि दिस इज़ अ वेरी गुड कॉल। बहुत मेहनत लग रही भाई, आते आते 8 बज जाएगा। भैया फोटो एक्सपर्ट ऑन द ट्री। अरे हे रे नीली आसमानी छतरी, बहुत बढ़िया दिन, बहुत ही सुंदर नज़ारे। सनसेट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी, कल बहुत ही बढ़िया कलर्स थे आसमान के, तो आज मुझे लगा कि वैसा एक घंटे तक कलर्स वाला गेम चलेगा और बादलों पे काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा पर्पल और रेड का, बट सही है, बहुत ही सुंदर बीच है, मतलब बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही सुंदर साइट है इवन आफ्टर बीइंग टूरिस्टी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। हेलो नमस्कार, ब्यूनस डियस, गुड मॉर्निंग। सुबह का बज रहा है 5:15 और हम जा रहे हैं सनराइज देखने। कहाँ जा रहे हैं हम? डायमंड बीच, काफी दूर है, 1 घंटे का राइड है, और देखते फन करते हुए जाएंगे। ओके दिखेंगे नहीं बट बहुत ही बढ़िया तारे दिख रहे हैं। सो राइट नाउ इट इज दैट मॉर्निंग कि तारे दिख रहे हैं।
मैंने पूछा वीडियो कहाँ करूँ, कहने लगे लंदन फ्रैंकफर्ट। अच्छा वॉलेट तो लेना ही भूल गए। मैंने बोला पैसे दे दो, कहते यार बनने बैंक तो। मैंने बोला गाना लिख लिया, कहने लगे बनने बैंक तो। कहने लगे गाली थोड़ी कम देना 40। मैंने बोला डनने बैंक। समय हो रहा है 6:20 और हम पहुंच गए हैं डायमंड बीच। तो यहाँ टिकट काउंटर लगा है, बट इतनी सुबह सुबह टिकट काउंटर वाले भैया भी नहीं आए हैं। तो आई थिंक दैट्स फ्री। भाई साहब यहाँ पे क्लिफ के साइज का क्या सीन है भाई? लुक एट दैट क्लिफ, क्रेजी। अच्छा ये वाली सीढ़ी है काफी फेमस, जो हर फोटो में दिखती है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। व्हाट इज दिस क्रेजीनेस? वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, कोई भी इंसान नहीं है, क्रेजी हो गए। तो खूबसूरत नज़ारे, नज़ारे एक्स्ट्रावेगेंजा। यहाँ पे भी एक आर्च है और इंतज़ार है सनराइज का, जो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। हवा काफ़ी तेज चल रही है आज, सन तो उसके पीछे छुप गया है, और वो बेसिकली आई थिंक इट इज़ माउंट रंजानी। काफ़ी बढ़िया, बहुत ही लाइक ऐसा 2 मिनट में ही पूरा सनराइज ऐसा वॉल्केनो के पीछे से आया और निकल गया, और इस समय दिख ही नहीं रहा वॉल्केनो, इतना स्ट्रांग सन है। ऐसे लग रहा है वॉल्केनो ऐसा फट के फ्लावर हो गया है, और उसमें से लावा नहीं सूरज निकला हो। नाइस, वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये टूरिज्म से ये बढ़िया हो गया है, ऐसे हर जगह उन्होंने वो बना दिया, यहाँ खड़े होके आप फोटो खींच लो बढ़िया स्विंग के साथ। इतने ही लोग हैं जो दिख रहे हैं ना, और ज़्यादा लोग नहीं है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। अरे भाई क्या लग रहा है, ये थोड़ा लाइट बीच पे आएगी ना तब बढ़िया रहेगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आज तो उतरेंगे, कल नहीं उतरे थे आज उतर जाएंगे। बहुत ही सुंदर है, पिछले 1 घंटे में सिर्फ 2 लोग नीचे गए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह आना कितना फ्रूटफुल है। बच्चे दिए कैसी सीढ़ियाँ हैं, उतर तो जाएंगे बट चढ़ने में ये वाला काफ़ी मुश्किल होगा, इसीलिए आई थिंक रस्सी दे रखी है। यहाँ भी स्विंग है, और सुबह कोई नहीं आता है, सुबह सब बंद है, तो फोटो वोटो खिंचानी है तो आप खिंचा सकते हैं। टोकरी पे भी है फोटो खिंचाने का, क्रेजी। क्या है भाई ये, काफ़ी क्रेजी सा फ्रूट लग रहा है। लास्ट लेवल कठिन ही होती जा रही है, कैसे उतरेंगे यहाँ पे? उतर तो गए हैं, पता नहीं चढ़ेंगे कैसे। ओह वाह, व्हाट अ पैराडाइज, ब्यूटीफुल बीच। बट जैसा कि श्री श्री गौरव शर्मा ने कहा है, बीच तो ऊपर से ज्यादा बढ़िया लगता है। भाई ये तो ऑलमोस्ट रॉक क्लाइंबिंग ही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहुंच तो गए, एक्चुअली 5-10 मिनट लगा बस, इतना मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट स्टॉप इज टेलीटबी हिल, इसका नाम बढ़िया लग रहा है टेलीटबी हिल, तो एक बार देख आते हैं। ऊपर मंदिर है, बहुत ही सही लग रहा है। क्या ले भाई के माथे पे लाइन है छोटी सी, टेंशन नहीं है रोटी की, खाने का बिल लगे ओटीपी, ये ले प्रोटीन पी। फंस गए, स्कूटी नहीं चढ़ ली। सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन में हैंडल टेढ़ा कर ले। क्रेजी स्लोप है भाई, क्रेजी स्लोप है, नहीं चढ़ेगी। चढ़ गई, स्लोप ही स्लोप है। y=mc²(m2-m1)/m2-m1 ही कांस्टेंट है, क्या होता था स्लोप का फार्मूला? Always take the road less traveled. क्या कहावत है, क्या व्यू है, oh my god, क्या सनलाइट आ रही है। Craziness, बहुत ही सुंदर टेम्पल,
और देखिए हम कहाँ आ गए हैं, आइलैंड के टॉप पे, ईस्टर आइलैंड की याद आ गई, वो है जहाँ से अभी आ रहे हैं ना, होपफुली आई थिंक वही है। वहाँ से कितना ह्यूज लग रहा था, यहाँ से कितना पिद्दा लग रहा था। तो ये आ गया व्यू पॉइंट टेलीटबी हिल वाला, थोड़ा सा रफ है बट हाँ नियरली देयर, बट एकदम विंडोज वॉलपेपर जैसा तो लग रहा है। अब थोड़ी धूप आई तो कलर्स बढ़िया लग रहे हैं। ये वाला साइड बढ़िया लगा, मैं आ नहीं रहा था बट ये तो बहुत बढ़िया था स्कूटी चलाने के लिए ना, बहुत ही बढ़िया रोड है। मुझसे कोई साव नहीं देखा, दूसरे के फटे में पाव नहीं देता, लड़का ये भाव नहीं देता, करता है शान से ब्रेकअप, इसको नहीं पड़ी है किसी की, इसको नहीं जाना है सिसरी।